दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। आपका बच्चों पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं निकालना। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हमने निरूपित करना सीखा था। ये आपकी संख्या रेखा होती है, इसमें हम जीरो लगाते हैं, जीरो के इधर आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती है, इधर ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हमने 1/2 को निरूपित करना सीखा था। 1/2 आपका कहाँ आएगा, जीरो और एक के बीच वाले बिंदु को आप 1/2 कहते हैं, है ना। इसके बाद हमने माइनस का 1/2 निरूपित करना सीखा, जीरो और -1 के बीच वाले बिंदु को क्या कहते हैं, -1/2। तो इस तरीके से हमने 1/2 और -1/2 को सीखा था। बाकी जिस भी संख्या के बटे में 2 होता है उसे हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद है बच्चों, जैसे 7/2 है, 7/2 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो कैसे क्या आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, एक हासिल बच एक शेषफल बचेगा, तो ये आपका आ गया 3 1/2। तो 3 1/2 को कहाँ निरूपित करेंगे, संख्या रेखा पर 1, 2, 3 और 4। तो पहले 3 तक जाएंगे और उसके बाद 3 से आगे आधी दूरी और चलनी है, तो 3 और 4 के बीच वाले बिंदु को क्या कहेंगे, 3 1/2 या 7/2। तो ये तो ऐसे पूर्णांक थे, परिमेय संख्याएं थी जिनके बटे में 2 हैं। कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जिनके बटे में 2 नहीं होता है, उचित भिन्न हो। उचित भिन्न कौन से होते हैं, जो में अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, ठीक है। तो उचित भिन्न जैसे कि आपका 2/5 है, तो ये आपका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये इनके मान 1 से कम होते हैं, ठीक है। चूंकि धनात्मक है तो 0 से बड़े होते हैं और 1 से छोटे, तो इसे भी हमने निरूपित करना सीखा था। तो ये 0 और 1 के बीच में आएगी, कहाँ आएगी बच्चों बताएं, कितने भागों में बांटेंगे हम इन्हें, सभी बच्चे बताएं बताएं कितने भागों में बांटा था हमने इसे, हर में क्या है आपका 5 है, तो हम इसे 5 भागों में बांटेंगे। 5 भागों में बांटने के लिए, 0 और 1 को 5 भागों में बांटने के लिए हमें कितने बिंदु लगाने होंगे बीच में, 5 - 1 कितने, 4। बिल्कुल सही, 5 भागों में बांटेंगे, बीच में 4 बिंदु लगाएंगे बराबर बराबर दूरी पर, 1 2 3 4, 4 बिंदु लगा दिए, 1 2 3 4, बटे में हर में 5 है तो हर में सभी के 5 लग देंगे, हर में सभी के 5 लिख देंगे, 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5, ठीक है। तो अब आपसे यदि पूछा जा रहा है कि 2/5 कौन सा बिंदु होगा, तो 2/5 आपका ये वाला बिंदु हो गया। क्लियर था सभी को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना आ गया था बच्चों। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, सभी बच्चे बताएं इसमें से कौन सा 3/2 को निरूपित कर रहा है, 3/2 को कौन सी संख्या 3/2 को इन चारों में निरूपित कर रही है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से देखिए, ये पहले तरीके के क्वेश्चन जिनमें बटे में 2 आता है उस तरीके के हैं, इन्हें मिश्र भिन्न में बदलकर सॉल्व करते हैं। याद आ रहा है, जिनकी बटे में 2 होता है उन्हें हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं। बताएं 3/2 कौन सा हो दिखा रहा है, 3/2। देखिए पहले में आपको 0 और 1 को हमने कितने भागों में बांटा है, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांटा है हमने, ठीक है। इसमें 0 और 1 को हमने 6 भागों में बांटा है। यहाँ पर 1 और 2 के बीच वाला बिंदु आपका दिखा रहा है, ये आपका -3 पे है, तो कौन सा वाला बिंदु आपका 3/2 को दिखा रहा है, बच्चों ध्यान से सभी बच्चे। आपका 3/2 को पहले मिश्र भिन्न में बदलें, याद आ रहा है, जिनके बटे में 2 हो उन्हें हमें मिश्र भिन्न में बदलना होता है, मिश्र भिन्न में ही बदलेंगे। 3 को 2 से भाग दे दें, 2 एकम 2 1 बचेगा, तो ये आपका क्या आ गया, 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2 को कौन सा वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं, 1 1/2, 1 तक जाएं फिर आधी दूरी और जाएं, पहले 1 तक जाना है फिर आधी दूरी और जाना है। बताएं
बच्चों आधे बच्चों के आंसर आ गए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। पागल खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा चार क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं आप, चार क्या है, चार क्या, एक एक बटा दो को कौन सा वाला ऑप्शन प्रदर्शित कर रहा है ये आपको बताना है। चार क्या, बिल्कुल सही। बच्चों मैसेज में नहीं, पोल में आंसर दें, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। तीन पोल में आंसर दें सभी बच्चे। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। दिया हुआ जी। हाँ, सभी बच्चों ने अधिकतर सही आंसर दिया है। एक एक बटा दो के लिए हम पहले एक पे गए, फिर एक और दो के बीच की आधी दूरी को एक एक बटा दो, ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और साथ साथ आपको और ऑप्शन कौन से बिंदु दिखा रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। देखते हैं, यहाँ हमने 0 और 1 को कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में, 5 भागों में बांटा है, तो बटे में 5 आएगा, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो ये आपका कौन सा बिंदु दिखा रहा होगा, 3/5 दिखा रहा है। ये आपको 6 भागों में बांटा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, बटे में 6 आएगा, 6 भागों में बांटा है तो बटे में 6 आएगा, तो ये आपका कौन सा बिंदु है, 4/6। और ये आपका 1 और 2 के बीच में है, तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया, 1, 1/2, जिसे हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, तो ये आपका 3/2 आ गया, और ये -3। सभी को बच्चों क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चले हम, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछे बच्चों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना। दो परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। हेडिंग डालनी है सभी बच्चे अपनी कॉपी में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। N+1 क्या है बच्चे? अच्छा, इसमें आपने थोड़ा बहुत देख रखा होगा कि एक वो भी आता है इसमें, N+1, एक जितने बिंदु निकालने होते हैं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी होती है, तो 5+1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ये सबसे लास्ट वाला है। पहले बच्चों इजी वाले देखते हैं, सबसे पहले देखो -5 और 3 के बीच में बताओ कितने पूर्णांक आते हैं। अभी नंबर लाइन सबने देखा, नंबर लाइन में सभी बच्चे बताएं कितने पूर्णांक आते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ आपके -1, -2, -3, -4 और -5, तो पूछा जा रहा है -5 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, तो सभी बच्चे काउंट करके जल्दी से बताएं कितने पूर्णांक हैं -5 और 3 के बीच में। मैम हम दो बच्चे हैं और फिर SR नंबर 2 जनों का नहीं भरा जा रहा, एक ही का भरा जा रहा है। अच्छा ठीक है बच्चों, आज तो आपने एक ही का भरा, लेकिन आप बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात कह दीजिएगा, व्हाट्सएप टीम में जो सर होंगे वो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हो उसमें कह दीजिएगा। ठीक है, ठीक है हाँ, तो सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। इसके बीच में कितने पूर्णांक हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैम। 7 पूर्णांक हैं, बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया, इसके बीच 7 पूर्णांक आते हैं। ठीक है, तो 7 हम गिन सकते हैं, तभी तो हमने बताया 7 पूर्णांक हैं, तो 2 पूर्णांकों के बीच की क्रमागत, यदि 2 क्रमागत पूर्णांक पूछे जाए, तो जैसे 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, एक भी नहीं, तो उसकी संख्या क्या होगी, 0। 2 क्रमागत पूर्णांकों के बीच की संख्या 0 होती है, और जैसे -2 और -3, इनके बीच कितने पूर्णांक है, एक भी नहीं, -2 और -3 लगातार है, इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, है ना, तो इसकी संख्या 0 हो गई।
वरना दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक होते हैं इसकी संख्या आप गिन सकते हैं, सीमित होती है या परिमित होती है। बात मेनली यही है कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं वो आप गिन सकते हैं, चाहे वो क्रमागत हो, लगातार वाले पूर्णांक हो, एक और दो इनके बीच में कोई पूर्णांक नहीं आ रहा है तो जीरो, या फिर एक और पांच के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं ये भी आप गिन सकते हैं। तो इसकी संख्या सीमित या परिमित होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी आपको पता है कि सभी पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे पांच, पांच को हम लिख सकते हैं 5/1, ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गई और क्यू आपका जीरो नहीं है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, पूर्णांकों के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं ये परिमित होता है, लेकिन परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं ये परिमित नहीं होती है, असीमित आ सकती हैं। इसका हम उदाहरणों में देखेंगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण देखते हैं, सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, 2/5 और 3/5 इनके बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 2/5 भी आपकी परिमेय संख्या है और 7/5 भी आपकी परिमेय संख्या है, दोनों पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो इनके बीच में दो परिमेय संख्याएं बताइए कौन सी होंगी, 2/5 और 7/5 के बीच में कोई दो परिमेय संख्याएं बताएं बच्चों। किसी को समझ में आ रहा है बताएं, नहीं तो मैं फिर बताऊं कैसे आएंगी, 2/5 और 7/5, ठीक है। नहीं आ रहा तो मैं देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों के बटे में 5 है, दोनों का हर क्या है, बिल्कुल आने लगे आंसर 3/4 और 4/5, नहीं बेटा ये नहीं, हाँ आपका सही है, बुशरा अंजुम के नाम से जिस बच्चे ने, रुशदा, आप रुशदा नाम ना, आपका 3/5 और 4/5 बिल्कुल सही है। कैसे आया ये देख लेते हैं बेटा, दोनों का देखिए हर, हर की तुलना करें दोनों का हर सेम है, 2/5 और 7/5 दोनों का हर क्या है, 5। जब दोनों का हर समान हो, दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान हो, तब हम अंश की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, अंश की तुलना। अब हम अंश की तुलना कर सकते हैं, अंश हमारा क्या है, इधर 2 है इधर 7 है, तो अंश की तुलना करो, 2 7 से छोटा है। तो 2 और 7 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आ गई, 3 4 5 6, तो ये आपकी 2 और 7 के बीच में 4 संख्याएं आ रही है, 3 4 5 6 बटे में सबके 5 लिख दो, क्योंकि हर को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हर आपका सेम है, तो ये 4 परिमेय संख्याएं आ रही हैं आपकी 2/5 और 7/5 के बीच में। जब हर सेम हो तो हम अंश की तुलना कर लेते हैं, अंश की तुलना कर ली, बीच की संख्याएं क्या आ गई, 3 4 5 6, इनमें से कोई भी 2 संख्याएं आप ले लें, चाहे 3/5 4/5 ले लें, चाहे 5/5 6/5 ले लें, या 4/5 5/5 ले लें, कोई भी 2 संख्याएं आप ले सकते हैं, वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। बताएं क्लियर हुआ बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, 3/5 और 4/5 हो सकता है, 4/5 5/5 हो सकता है, 5/5 6/5 हो सकता है, इनमें से कोई भी 2 आप आंसर में ले सकते हैं। सभी बच्चों को समझ में आया, बताएं क्लियर है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछे बच्चों, तो यहाँ पर तो आपने सिर्फ 2 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, लेकिन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आप परिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत। यहाँ आपको केवल 4 दिख रही है, 4 नहीं, हम और भी तरीकों से और भी निकाल सकते हैं, जैसे एक बच्चे ने आपसे 2 पूछी गई तो 2+3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया होगा, n+1 से जो तरीका था वो भी है, वो आगे बताया जाएगा, पर यदि सिंपली निकल रहा है तो सिंपल आराम से ये 4 है, 2 पूछी जा रही है, इनमें से कोई भी 2 आंसर दे दीजिए, 3/5 6/5 दे दें कोई भी, पर इसके बीच में ढेरों अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक है आपका नेक्स्ट उदाहरण, अपनी कॉपी में लिखे -5/3 और -8/7, इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है, कितनी, 5, 5 परिमेय संख्याएं बीच में पूछी जा रही है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट करें सभी बच्चे अपनी कॉपी में, क्वेश्चन
क्वेश्चन नोट करो, माइनस का 5/3 और माइनस का 8/7, इनके बीच में पांच परिमेय संख्याएं निकालनी है। पांच परिमेय संख्याएं, माइनस का 8/7, पांच परिमेय संख्याएं बताएं। क्वेश्चन नोट कर लिया? ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका मेन पहला पॉइंट क्या था, हर समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हर क्या है, असमान है, अनइक्वल है, एक का 3 है, एक का 7 है। तो कोशिश करेंगे कि दोनों का हर सेम हो जाए। तो क्या करेंगे, दोनों का हर सेम करने के लिए इसकी गुणा 7 से ऊपर नीचे करेंगे और इसकी गुणा 3 से ऊपर नीचे करेंगे, ताकि दोनों का हर क्या हो, सेम हो जाए। क्लियर? हर समान करने के लिए हमने इसकी गुणा 7 से, इसकी गुणा 3 से ऊपर नीचे कर दी, ताकि संख्या भी ना बदले। बिल्कुल सही, 7 तिया क्या हो गया, 21। संख्या भी ना बदले और आपका हर भी समान हो जाए। ये संख्या हो गई आपकी माइनस का 35/21 और ये संख्या हो गई आपकी माइनस का 24/21। क्लियर? बताएं बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट? पहला क्या होता है पॉइंट, हाँ लिख लिया बच्चों? हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, हर को समान करना है। हर को समान करने के लिए हमने गुणा कर ली 3 की 7 से और 7 की 3 से। अब आप अंश की तुलना करेंगे, अंश की तुलना करनी है। ये आपका क्या हो गया, हर समान नहीं था तो हमने हर को समान किया, इसकी तुलना इसकी गुणा 7 से इसकी 3 से कर ली। ठीक है, अब बिल्कुल सही आंसर भी आने लगे। तो अब हम पहले उदाहरण पे चले जाएंगे, अंश की तुलना कर सकते हैं। तो अंश की तुलना करो, अंश क्या है आपका, एक जगह माइनस का 35 है और एक माइनस का 24। हमें पता है -35 छोटा है -24 से, इनके बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी, -34, -33, -32, -31, -30, -29, -28, -27, -26 और -25। इतनी सारी संख्याएं इनके बीच में आ गई, तो बटे में सभी का 21 रखो, क्योंकि दोनों का हर 21 हो गया है। तो ये आपकी इतनी सारी संख्याएं निकल आई है इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में। ठीक है, अब आपसे पांच पूछी जा रही है, तो इनमें से कोई भी पांच आपकी आंसर हो सकती है। क्लियर है? बिल्कुल सही आंसर आने लगे हैं। तो इनमें से किनारे वाली को छोड़ दो, क्योंकि बीच में पूछी जा रही है, बीच की पांच पूछी जा रही है। तो -35/21 आंसर में नहीं आएगा, -34 से स्टार्ट करो। क्लियर है? हाँ, बाकी आपका बिल्कुल सही है, इनमें से कोई भी पांच परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में आ जाएंगी। सभी बच्चे नोट करें जल्दी से, कोई भी पांच परिमेय संख्याएं इनके बीच की ले लें। सबने नोट कर लिया? करें नोट जल्दी से बच्चे सभी। ठीक है, एक क्वेश्चन अब मैं और दूं आप बच्चों को। अगला क्वेश्चन लिखें, 2/3 और 5/4 के बीच पांच परिमेय संख्याएं बताएं। बताएं बच्चों, निकालें इसी तरह, 2/3 और 5/4 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं बतानी है। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपको, तो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो। 2/3 और 5/4 के बीच में पांच परिमेय संख्याएं बताएं।
बेटा थोड़ा सा गलत है आंसर। जब चार से आप गुणा कर रहे हैं तो ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी है। अब बिल्कुल सही आया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12। ठीक है, 2/3 की और 5/4 हर सेम करने के लिए, या 4 से या 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये हो गया जाएगा 8/12, ये हो जाएगा आपका 15/12। क्लियर है, दोनों संख्याएं 8/12, 15/12। अब बीच की जितनी भी पूछी जाए आप बीच की निकाल सकते हैं। 8 के बाद क्या आएगा? 9, 10, 11, 12, 13, 14, और सबके बटे में 12 है। तो जितनी आपसे पूछी जाए अब उनके बटे में उतनी परिमेय संख्याएं आप निकाल लें। इनमें से कोई भी 5 परिमेय संख्याएं आप आंसर में लिख सकते हैं। 6 आई है, कोई भी 5 ले लें। बिल्कुल सही, क्लियर है सब बच्चों को। आगे चलें बच्चों, यहां सभी को नोट कर लिया। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालना। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। -2 और -1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं बताएं। क्वेश्चन लिख लिया बच्चों। अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट आता है N+1 वाला। तो आपसे कितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है? 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है कि बीच में 3 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो अब आपको क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो अब आप 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे दोनों संख्याओं की, -2 की भी और -1 की भी। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी। सभी बच्चे समझे ध्यान से, यदि आपसे 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं तो 3 में 1 जोड़ दें, 4 आ जाएगा। 4 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं की क्या कर दें? गुणा कर दें। ठीक है, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? -8/4, और यहाँ क्या आ जाएगा? -4/4। क्लियर है, यहां तक बताएं सभी बच्चे, समझ में आ रहा है? सभी बच्चे नोट करें, 3 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं की क्या करनी है? गुणा, -2 की भी और -1 की भी। तो आपका कितना आ गया? -8/4 और -4/4। अब हर सेम हो गया, अंश की क्या कर लोगे? तुलना। अब तो आप कर लोगे, हर सेम हो गया, अंश की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर वही है, -2 और -1 को क्या करा? 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये आपका -8/4 हो गया और ये आपका -4/4 हो गया। तो हमने क्या करा, 3 परिमेय संख्याएं निकालनी थी तो 3 परिमेय संख्याओं के लिए 3 + 1 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दी तो ये आपका क्या आया? -8/4 और -4/4। इनके बीच में आपकी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? हर तो सेम है, अंश की तुलना कर दी। -8 और -4 के बीच में क्या आता है? -7, -6, -5। तो ये आपका आंसर हो गया, -7/4, -6/4, -5/4। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट? ये आपका आंसर आ गया कि बीच की पूछी जा रही है तो -4/4 नहीं आता है। सभी ने नोट कर लिया? नोट किया बच्चों? अब एक क्वेश्चन पूछे बच्चों आपसे, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं। तो पहले एक-एक करके स्टेप चलेंगे। 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं तो बताओ किससे गुणा करनी होगी हमें? किससे गुणा करें ऊपर नीचे? 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं तो किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 6 से बिल्कुल हाँ, 5 + 1, 5 + 1 कितना हो गया? 6। 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, से
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। तो अब 6 से ऊपर नीचे गुणा करो, ये कितना आ जाएगा? किनारे के पॉइंट बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 6/6 और ये हो जाएगा 0/6। क्लियर है? अब आपके ये क्या आ गए, माइनस का 6/6 और 0/6, इनका हर सेम हो गया। तो अंश की आप क्या कर लो, तुलना कर लो, अंश की तुलना कर लो। अंश की तुलना करो और फिर उसके बाद जो बीच की संख्याएं हैं -6 और 0 में, -6 छोटा है, इनके बीच की जो संख्याएं होंगी वो आप निकाल लो और जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसका आंसर पोल में दें। तो 5 परिमेय संख्याएं इस तरीके से आप निकाल लेंगे -1 और 0 के बीच में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बढ़िया, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। जल्दी से सभी बच्चे पोल पे आंसर दें। अब एक आध बच्चों का गलत आया आंसर। ध्यान से बच्चों चेक करें, और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। सभी सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें इसे। बच्चों आपको कुछ कहना हो तभी माइक ऑन किया करें, नहीं तो माइक ऑफ रहने दें। आप भी खा लो। बच्चों जल्दी से आंसर दें सभी पोल में। किसी को पोल में आंसर देने में दिक्कत हो रही है बताएं, नहीं आ रहा है क्या पोल आपके फोन में? बच्चों पोल देखें आपके फोन में ऐसे आ रहा होगा। सबसे पहले 3 डॉट दबाएं, आपके फोन में राइट साइड में 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज पे इस तरह का साइन भी बन रहा होगा, उस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे फिर आगे पोल लिखा रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके उस पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे A B C D, जिस ऑप्शन को आपको लग रहा है सही है उस पे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। अभी काफी बच्चे रह गए हैं पोल में, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। बच्चों
बच्चों गलत क्यों कर रहे हैं? किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। आपको मैंने बताया -1 और 0 के बीच में आपको निकालना है, तो आपको 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही है। 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है इनके बीच में, तो आपने क्या करा, 5 में 1 जोड़ा, 5 + 1 छह, छह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं की। तो ये आप 6 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा -6/6 और ये हो जाएगा 0/6। हर सेम है तो अंश की तुलना कर दें, -6 और 0 की तुलना करेंगे, -6 छोटा है 0 से, बीच में कौन सी संख्याएं आएंगी, -5, -4, -3, -2, -1, बटे में हर कर सबके 6 ही रखेंगे, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सभी को समझ में आया, बताएं ऑप्शन ए राइट आंसर है इसमें, आप बताएं किसी को कोई डाउट। क्लियर है ना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक शायद शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके बाद ये बताएं क्वेश्चंस और ट्राई करने हैं इसके बच्चों। एक क्वेश्चन और ट्राई करना है क्या, या एक नया टॉपिक स्टार्ट करें? नया टॉपिक है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, घातांक और घात। घातांक और घात हेडिंग डालें बच्चों। डालिए बच्चों घातांक और घात। घातांक और घात आप पहला देखें, 100। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 करके। 10 × 10 कितना होता है, 100। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 × 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, 10 का स्क्वायर। ये अपनी कॉपी में लिखें, 2 ऊपर को लिखा जाएगा थोड़ा सा, इसका मतलब होता है कि संख्या को 2 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। ठीक है, सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में लिखें, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 × 10, ये क्या हो गया, 10 की घात 2। 2 जो है वो ऊपर को, थोड़ा ऊपर को करके लिखना है, इसका मतलब होता है कि उस संख्या को हमें 2 बार लिखकर गुणा करनी है। जैसे 10 की घात 2 है, तो हमें 10 को 2 बार लिख के गुणा करनी है। 10 × 10 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, 100 का 10 की घात 2, हम इसे क्या पढ़ेंगे, 10 आधार हो गया और 2 घातांक। सभी बच्चे अपने कॉपी में नोट करें कि 10 क्या हो चलाएगा, आधार, और 2 कहलाएगा घातांक या घात, पावर। घातांक या पावर, एक्सपोनेंट्स घात या घातांक। तो ये 10 की घात 2 में आपका 10 आधार है और 2 घातांक कहलाता है। ये इसका क्या है, घातांकीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सभी बच्चे कॉपी में नोट करें, 10 आधार है और 2 घातांक है, 2 घातांक एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, लिख लिया बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, तो ये आपका 10 आधार हो गया और 2 क्या हो गया, घातांक, घात, एक्सपोनेंट, ये इसकी पावर में जाता है ऊपर को, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। या पढ़ते क्या है हमें से, 10 की घात 2। बेटा किसी को कुछ कहना है, बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, हर्ष तिमन बताएं, माइक ऑन करके बताएं या मैसेज में लिख के बताएं। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, 10 की घात 2 या 10 की दूसरी घात, जनरली हम इसे 10 की घात 2 ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, मैम दस अभी को हम्म, मैम अभी कॉपी में नहीं किया है। ठीक है, लो दोबारा लिख लो, लिख लिया बच्चों।
लिख लिया बच्चों कॉपी में? ठीक है, 10 आधार हो गया, 2 क्या कहलाएगा, घात या घातांक। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 10 की घात 2। ठीक है, तो ये इसका घातांकीय रूप है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये से क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, घातांकीय रूप। तो इसी तरह बाकी संख्याओं का भी घातांकीय रूप देखते हैं। जैसे ये है आपका 5 का, तो पहले घात का मतलब समझते हैं। तो किसी संख्या की घात का क्या मतलब है, किसी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना, स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे 5 की घात 2, घात में 2 कह रहा है तो मतलब 5 को उतनी बार, 5 संख्या की स्वयं से उतनी ही बार गुणा करनी है। कितनी बार, 2 बार। तो 5 की 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 25। बताओ बच्चों क्लियर हो रहा है? 3 की घात 3 बताओ कितना होगा, सभी बच्चे बताएं मैसेज में, 3 की घात 3 कितना होगा? नहीं, 9 नहीं होगा बच्चे, 3 की 3 से गुणा नहीं करनी है। 3 की घात 3 का मतलब है 3 को पहले 3 बार लिखो, 3 को 3 बार लिख लिया उसके बाद गुणा करो, 3 3 9 3 27। बात समझ में आ रही है, घात का मतलब उतनी बार उस संख्या को लिखो और फिर आपस में उनकी गुणा करो। जैसे यदि मैं आपसे कहूं 3 की घात 5 बताओ तो कितना होगा, बताओ बच्चों 3 की घात 5 कितना होगा, 3 की घात 5 बताएं। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, कितना आया, 243। तो पहले घात 5 का मतलब है उस संख्या को 5 बार लिखो, कितनी बार लिखना है, 5 बार, फिर उनकी गुणा करो, गुणा करो 3 3 9, 3 3 9 और गुणा 3, तो 9 ने 81, 81 3 243, कितना आ गया, 243। क्लियर? ठीक है, इसी तरह 2 की घात 4, 2 की घात 4 बताएं बच्चों, 2 की घात 4 कितना आएगा? सभी बच्चे बताएं, 32 नहीं होगा। 2 की घात 4 का मतलब बच्चे 4 बार लिखो, 2 को कितनी बार लिखोगे, 4 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दुनी 4, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16। ठीक है, आपने 4 की घात 4 बताई है बच्चे, सोफिया अब्बासी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने 4 की घात 4 बताई है, मैंने अभी 2 की घात 4 पूछी है। ठीक है, 4 की घात, मैम जी वो गलती से लिखा गया। ठीक है, ठीक है, पर क्लियर तो है, वो 4 की घात 4 आपका 256 होगा। ठीक है, 4 की घात 4 पूछी जाए तो आपका 256 बिल्कुल सही है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, 48 बेटा कैसे आया आपका, 48, आहिल खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा 48 कैसे आया? दो की घात चार कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह यदि मैं पूछूं 6 की घात 3 कितना होगा, 6 की घात 3 बताओ। छह की घात तीन कितना होगा, एक सौ आठ नहीं, आप सही आ रहे हैं, 216 बिल्कुल सही। 216 बिल्कुल सही है बच्चों, 6 को पहले 3 बार लिखना है, 6 गुणा 6 गुणा 6, आप गुणा करो, 6 चंग 36, 36 की 6 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 216 बिल्कुल सही। तो 6 की घात 3 कितना आ गया, 216। सभी बच्चे बताएं, क्लियर है सभी को? तो ये इसका क्या था, घातांकीय रूप, एक्सपोनेंट्स और पावर। तो हमने घात में बदलना सीखा,
25 का, एक सेकेंड बच्चों, 25 का घातांकीय, हम्म, 25 का घातांकीय रूप लिखना है, घातांक और आधार का मान भी बताना है। सभी बच्चे 25 का घातांकीय रूप लिखें। हम्म, 5 × 5, बिल्कुल सही। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5, 5 की संख्या की गुणा 2 बार हो रही है, इसका मतलब 5 का स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया? घातांकीय रूप। 5 आधार हो गया और 2 घातांक हो गया। क्लियर है? यदि हमसे घातांक और आधार पूछा जाए तो घातांक कितना हो गई? घात 2 हो गई, और आधार बेस कितना हो गया? 5। आधार क्या आ गया? 5। तो ये इसका क्या हो गया? घातांकीय रूप। हम्म, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 5 का वर्ग हो गया, 5 का स्क्वायर, तो ये इसका घातांकीय रूप है। 5 आधार हो गया और 2 घातांक हो गया। क्लियर? 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह भले सभी बच्चे बताएंगे 3 की पावर 4 कितना होगा? 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मान बताएं बच्चों। तीन की 4 से गुणा नहीं करनी है। आहिल, आप एक बार, आहिल खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा एक बार फिर से समझें। 3 की 4 से गुणा नहीं करनी है। 3 की घात 4 का मतलब होता है जितनी घात है, घात कितनी है? 4। जितनी घात है संख्या को उतनी बार लिखना है, मीन्स 3 को 4 बार लिखना है और फिर आपस में गुणा करनी है। तो 3 × 3 × 3 × 3, अब गुणा करके बताओ कितना आएगा? हम्म, कितना आया? 81। बिल्कुल सही, 3 को 4 बार लिखना है। घात का मतलब उतनी बार लिखो, घात का मतलब जितनी घात हो संख्या को उतनी बार गुणा करो, संख्या को की स्वयं से उतनी बार गुणा करो। बात समझ में आ रहा है? संख्या की स्वयं से उतनी ही बार गुणा करनी है, उतनी ही बार गुणा करें। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81। तो कितना आ गया? 81। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं बच्चों। हम्म, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बस ध्यान से करेंगे। क्या है आपका? 2 की घात 4 की गुणा करनी है -3 की घात 3 से। तो पहले 2 की घात 4 का मान बताएं कितना होगा बच्चों? 2 की घात 4 का मान बताएं, एक एक करके चलें। 2 की घात 4 का मान बताएं मुझे। सभी ने बता चुके हैं, सभी को आता है, फिर से बच्चा नहीं, अभी अभी सॉल्व किया है 2 की घात 4। हम्म, अभी भी काफी बच्चों का गलत आ रहा है। 2 की घात 5 नहीं, 2 की घात 4 पूछी जा रही है। 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिखो, 4 बार लिखो, गुणा करो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। कितना आएगा? 16। चेक करो बच्चों फिर से, 2 की घात 4 कितनी रहेगा? 16। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। फिर अब मुझे बताओ -3 की घात 3 कितना आएगा? -3 की घात 3, बेटा माइक तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो। बेटा आपका आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन चिन्ह नहीं आपने लगाया। माइनस की गुणा 3 बार करते हैं तो चिन्ह माइनस ही आता है। ऋणात्मक की गुणा जब ऋणात्मक से करोगे पहले, माइनस की गुणा माइनस से करोगे, क्या आ जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर प्लस की गुणा दोबारा माइनस से करोगे, क्या आ जाएगा? माइनस। तो जब -3 बार है तो आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27, तो आपका क्या आ जाएगा? -27। क्लियर है? हम्म, सभी को समझ में आया? बिल्कुल सही, आंसर भी आने लगे। हम्म, तो अब आप गुणा करें, 2 की घात 4 की गुणा -3 की घात 3 से करेंगे तो आपको 16 की गुणा -27 से करनी है। बिल्कुल सही आंसर आने लगे लोगों के। हम्म, तो जल्दी से सभी बच्चे पहले गुणा करें 27 की 16 से, कितना आएगा? 27 की 16 से गुणा करें,
छह सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दुनी 12 और 4 16, 1 से गुणा करेंगे 27 आ गया, ये 2 7 और 6 13 का 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4 कितना आ गया 432, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे आंसर माइनस का आ जाएगा, कितना आ गया माइनस का 432। क्लियर है बच्चों? सभी बच्चों के आने लगे, आंसर आपका आ गया माइनस का 432। बताएं इसमें किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है ना? बच्चों अभी भी किसी को नहीं आ रहा हो तो बताएं, घात का मतलब संख्या की उतनी बार आपस में गुणा करना, ठीक है? जैसे मैं कहूं कि 7 की घात 3 बताओ, तो 7 की घात 3 बताओ कितना आएगा बच्चों, बताओ 7 की घात 3 कितना होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं 7 की घात 3 का मतलब 7 की 3 बार गुणा करनी है, 7 गुणा 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49, 49 की 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 343, बिल्कुल सही। 7 का क्यूब, 7 की घात 3। तो अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सभी को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, पर पहले एक बात समझ लें क्या है, जैसे a गुणा a गुणा a है, तो a गुणा a गुणा a का मतलब क्या होगा, a को 3 बार लिखा है, तो 3 बार लिखा है तो a की घात 3 हो जाएगा, है ना? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं, ध्यान से ऑप्शन समझिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में कर लिया हो तो आप पोल में आंसर दें, पोल सेक्शन मैंने ओपन कर दिया है। आने लगे बच्चों आंसर ध्यान से। हाँ बिल्कुल सही। सभी बच्चे आंसर दें जल्दी से, आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बिल्कुल सही आए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। नहीं बच्चे, सोफिया के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, बताएं आपका आंसर कैसे आया, आप क्या बी तो आप क्वेश्चन में है ही नहीं, ऑप्शन में बी तो है ही नहीं, सी है, इसलिए ध्यान से देखें ऑप्शन में ए है, सी है और डी है ना? जी बी भेजा है पोल में, वो गलती से लग गया। कौन सा ऑप्शन भेजा है पोल में? बी अच्छा ठीक है बच्चा, सभी बच्चे जो आंसर दें पोल में जल्दी से। अभी काफी बच्चे रह गए हैं बच्चों, पोल आपके उसमें दिख नहीं रहा है, क्या बात है? हाँ हमने तो दे दिया मैम आंसर पोल में बी। हाँ काफी बच्चों ने दे दिए, पर अभी भी 7-8 बच्चे रह गए हैं पोल में आंसर देने को, जल्दी से बताएं आंसर पोल में दें 7-8 बच्चे ये भी। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल में आंसर देंगे। बच्चों बी तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन में ए है, सी है, डी है, बी तो है ही नहीं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, लास्ट 10 सेकेंड।
चलिए देखते हैं आंसर। सी कितनी बार है बच्चों? दो, एक, दो, तीन, चार। चार बार है तो सी को हम क्या लिख सकते हैं? सी की घात 4। डी एक बार है तो डी एक। एक लिखें या डी को ऐसे ही रख दें तो ए की पावर 3, सी की पावर 4, डी ऐसी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ए क्यूब, सी की घात 4 और डी, ऑप्शन बी। तो बच्चों बताएं ऑप्शन बी इसका कौन सा सही जवाब होगा? सभी को समझ में आया? क्लियर है बच्चों? ठीक है, सभी बताएं इसमें किसी को कोई डाउट, कुछ नहीं समझ में आया हो? ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सपोनेंट्स की बात। इसी तरह से हम आगे कल परसों नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो आगे एक्सपोनेंट्स के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। सभी बच्चे अपनी वर्कबुक खोल लें। अवंती से जो वर्कबुक मिली है उसे ओपन करें, उसमें पेज नंबर आ जाए। अवंती की वर्कबुक एक बार खोलें और पेज नंबर 30 उस पे आ जाए। 32 है, कौन सा है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ये आपका पेज नंबर है। ये आपका पेज नंबर है 36। पेज नंबर 36 ओपन करें। पेज नंबर 36 ओपन किया सब बच्चों ने। पेज नंबर 36 पे आपका दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं दे रखी हैं, इसके उदाहरण दे रखे हैं बच्चों। उदाहरण करने हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, क्या जिसे वर्कबुक पेटर नहीं मिली है उसे मैं व्हाट्सएप में उसकी पूरी पीडीएफ डाल दूंगी, या फिर इस इन पेजेस के फोटो के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। नेक्स्ट डे होमवर्क आता है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उससे देख के कर लीजिएगा, नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ भी पूरी शेयर कर दूंगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जो नहीं आए वो मुझसे नेक्स्ट डे पूछ लीजिएगा। तो आपको ये करना है अपने होमवर्क में, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं निकालनी है, ये आपको उदाहरण करनी है। फिर एक्सरसाइज है 26.1 और 26.2, ये दो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, 36 और 37। बताएं सभी को समझ में आया होमवर्क में क्या करना है? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब यदि आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। किसी बच्चे को कोई